हर तरफ गम है, गुस्सा है तो गर्व भी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हरियाणा के रहने वाले मेजर आशीष शहीद हो गए। बुधवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान पानीपत के आशीष अपने देश के खातिर मर मिटे। पति के शहीद होने की खबर के बाद से गमजदा पत्नी गुमसुम सी हो गई है। भाई की मौत के गम में रोती रोती बहने बेहोश हुई जा रही है। वही एक मासूम बेटी फफक फफक कर रो रही है। मेजर आशीष धौनचक की शहादत की खबर सुनकर आज हर किसी की आंखें गमगीन हैं। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेजर आशीष तीन बहनों के इकलौते भाई थे। इनकी तीनों बहनें शादीशुदा हैं। पिता लालचंद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में क्लर्क के पद पर नौकरी करते थे। दो साल पहले ही वो रिटायर हुए हैं, जबकि माँ गृहिणी है। परिजनों ने बताया कि करीब 9 साल पहले जीन से आशीष की शादी हुई थी। पत्नी ज्योति गृहिणी है और एक मासूम बेटी लगभग 3 साल की स्कूल में पढ़ती है। साल 2013 में आशीष ने पहले ही प्रयास में एसएसबी की परीक्षा पास की, सिख रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। 11 अगस्त को सेना मेडल से उन्हें नवाजा भी गया था। सेना में नौकरी के बाद आशीष उत्तर प्रदेश मेरठ और पंजाब के भटिंडा में रहे। 2 साल पहले उनका तबादला जम्मू कश्मीर में हो चुका था। इससे पहले आशीष के साथ उनकी पत्नी ज्योति और बेटी वामिका रहती थी, लेकिन तबादला होने पर वो पत्नी बेटी को अपने माता पिता के पास छोड़ गए थे। आशीष के पिता लालचंद पानीपत के सेक्टर 7 में किराए के घर पर रह रहे थे। बुजुर्ग लालचंद ने TDI में अपना एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर मकान बनवा रहे हैं। मकान लगभग बनकर तैयार था। मेजर आशीष 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के मौके पर नए मकान के गृह प्रवेश कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन घर के इकलौते बेटे के शहीद हो जाने से अब परिवार के निर्माणधीन सपने बेरंग से हो गए हैं। शहर के लोग भी सूचना मिलने पर घर पहुंच रहे हैं। आसपास वाले और रिश्तेदार बता रहे हैं, आशीष जिंदा दिल और हसमुख स्वभाव के थे। उनके मित्र उनका बड़ा सम्मान करती थी। अगले महीने उनका बर्थडे था, वो छुट्टी आने वाले थे और आज हम उनके ये इसी चीज के लिए भर बैठे हैं। ऐसे ऐसे उनार बच्चे हर किसी माँ बाप को दे, और इस माँ बाप ने जो परिवार ने जो बच्चा खोया है इसके लिए सांत्वना है। पूरे देश इनके साथ खड़ा है और हम तो ये जो सरकार से अपील करते हैं कि जो बार बार इस किस्म के हमारे जवान खोए जा रहे हैं, इस पर सरकार ने एक बहुत ही मजबूत और कठोर एक्शन लेना चाहिए। आपको ऐसे मौके पर ऐसे ऑपरेशन करने चाहिए सख्ती से, ताकि इस प्रकार के ये जो उग्रवादी हैं जो हमारे देश में बैठे हैं, कि भविष्य में इस प्रकार से किसी माँ का लाल इस प्रकार से ना खोया जाए। बता दें कि कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों से मुठभेड़ में इन अधिकारियों की शहादत से देश भर में गुस्से का माहौल है। गुरुवार को आर्मी ने अनंतनाग के उन इलाकों में आतंकियों के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन चलाने का निर्णय भी लिया है। इन सभी शहीदों की शहादत को सलाम। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।